नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। ये बड़ी वाली का नाम बुलबुल है ना? जी, और छोटी वाली पिंकी। देख के लगता नहीं ये दोनों सगी बहनें हैं। बुलबुल अपने पापा पर गई है ना, इसीलिए उसका रंग थोड़ा दबा हुआ है। तो क्या करे, थोड़ा टैल्कम पाउडर लगा दे? नहीं, रहने दीजिए। बेटा बुलबुल, थोड़ा मुस्कुराओ ना। Come on, keep on.
पार्लर तो तुम लोगों ने बहुत बढ़िया सजाया है, और तुम लोग क्या ये फिल्मी गानों पर नाच रहे हो? अरे हमारी पिंकी तो खुदा ही बहुत अच्छा गाती है। क्या बात कर रही हो, पता ही नहीं हमें। अरे वो अम्मा कौन सा गाना गाती थी तुम्हारे लिए? टैल्कम पाउडर। हाँ टैल्कम पाउडर वाला, वो गाओ, सबको सुनाओ। हाँ हाँ गाओ गाओ, हम भी तो सुने। फेसल से कोई गोरा हो सकता है का? समी मियाँ जी, सुसाइड नहीं है, मर्डर है।
लेकिन जनाब अभी तो उस लड़की ने बताया कि जैसे ही वो अंदर आई ये स्टूल जो है वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था और वो पार्लर वाली लड़की जो है वो इस पंखे से लटकी हुई थी। तो उससे तो जाहिर होता है कि ये खुदकुशी का मामला है। मियाँ कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब? समझाते हैं। पार्लर वाली लड़की दारू पीकर नशे में धुत थी। अब चूंकि वो नशे में धुत थी इसलिए उसे कोई होश नहीं था और इस बात का किसी ने फायदा उठाया। किस बात का? कि वो नशे में धुत थी। फायदा उठाकर उसका किसी चीज से गला घोट दिया और उसे ऊपर लटका दिया। क्यों? क्योंकि वो नशे में धुत थी। क्योंकि वो इस मर्डर को सुसाइड साबित करना चाहता था। कत्ल है कत्ल। कत्ल? कत्ल कत्ल नहीं जना। कत्ल कत्ल आप उसे उठाइए। अबे रुको, फट से हाथ कर देते हो आगे। चलो रुमाल इस्तेमाल किया कर। जी। समझते नहीं पर कहीं। नाम क्या बताएं? बुलबुल। मरने वाली का क्या नाम है? बुलबुल। बुलबुल मतलब हम तो बुलबुल नहीं, बुलबुल हमारा नाम तो श्रुति है। तुम्हारा नाम श्रुति है तो ये बुलबुल 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 ये श्रीवास्तव ना हमारा पागल बनाकर छोड़ गया, हम बोल रहे हैं। ठीक है, हैंडल कर लो ना। क्या हैंडल कर लो? अच्छा ये फेस पैक फायदा तो करेगा ना? हाँ हाँ दीदी, आपकी ये ड्राई ड्राई स्किन हो गई है ना, इसको बिल्कुल स्मूथ कर देगा। ठीक है। आप एक काम कीजिए ना, ये गोल्ड फेशियल करवा लीजिए। ओके। ये बहुत सूटेबल है आपके स्किन के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से निखारेगा आपकी स्किन को। पक्का? अरे पक्का, श्रुति इनको यही लगाओ। ठीक है। अब मेरी थ्रेडिंग तो ठीक है ना? हाँ। हेलो, हमने आपकी थ्रेडिंग। जी जी जी, बस लड़की निकल ही रही है हमारे पार्लर से, आपके घर 15 मिनट में पहुंच जाएगी। ले लो। ठीक है ना, रख दो। रूपा। हाँ दीदी। क्या कर रही हो, जल्दी निकलो। हाँ हाँ। हमको पसंद नहीं है तुम क्लाइंट के लेट पहुँचो। और ये कोन्स रख लो। जी दीदी। चाय? दुलाल चलो। हो गया? हाँ हाँ, हस्बैंड को अच्छा तो लगेगा ना? अरे आप क्यों चिंता करते हैं मिस्टर श्रीवास्तव, आप ऐसे ही बहुत खूबसूरत हैं। और फिर हम लोग तो है ना, फेशियल वेशियल से आपको और खूबसूरत बना देंगे। हाँ ये लीजिए आप। और कैसी हो अंकिता? हम तो बहुत अच्छे हैं। इसकी तो पूछिए मत, शादी के बाद हम लोग को भूल चुकी है। क्या है ना, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि अब हम पार्लर वार्लर में काम करें। ये पति लोग भी ना कभी किसी चीज से खुश नहीं हो सकते। तुम भी क्या अंकिता। अच्छा दीदी, बोलती रहती हो। अरे बहुत बोलती है लता श्रीवास्तव। अंकिता अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे पतिदेव की दुकान का माल हमें दुगने दामों पर तो नहीं बेचती हो? क्या दीदी, तुम भी बस ये लो तुम्हारे भूलों के लिए।
दीदी क्या तुम जब देखो तब खाते पीते ही रहते हो? चलो अब लगा उसको, स्कूटर वाले को फोन लगा। जी उसी को लगा रहे हैं सर। जनाब वो बेगम बोले नहीं, हम ले आएंगे भाई। अरे अभी ड्यूटी पर हैं। हाँ अरे ब्यूटी पार्लर में कोई कत्ल हो गया तो उसकी तफ्तीश चल रही है। इधर आओ, आप फोन रखो जरा। हाँ हाँ तुम्हें बुला रहे हैं, इधर आओ। मारना मत। अबे मार नहीं रहे। तुमने कभी हाथों से पैर के जो अंगूठे हैं उनको छुआ है? नहीं सर। अबे ट्राई करो, अच्छी एक्सरसाइज है, करो करो करो। गलत समझ रहे हो गए। हाँ मृतक का नाम बताओ। बुलबुल। बुलबुल। और ये पिंकी कौन है और कहाँ है? पता नहीं साहब। जवान बन गया। पता नहीं मतलब? नहीं साहब ये तो पता है पिंकी कौन है। हाँ बुलबुल दीदी की छोटी बहन है, पर अभी कहाँ है ये नहीं पता। और बाकी के लोग जो पार्लर में काम करते हैं वो सब है यहाँ? दुलाल नहीं है साहब, दुलाल नहीं है। अच्छा खड़े। हाँ क्या नाम बताया तुमने? दुलाल साहब। दुलाल करो, जाके 10 तो गर्मा गर्म समोसा ले आओ जाके। हैं जाओ। आओ ठीक से करो। अच्छा सुनो ना, ये काशी चाट भंडार के टमाटर चाट खिलाओगे ना? अच्छा भी रखते हैं हम। क्या हैं बहुत ताका झांकी हो रही है? नहीं वो कुसुम जी कितनी खूबसूरत है ना। चुड़ैल है, चुड़ैल है। चुड़ैल ऊपर की खूबसूरती कोई बड़ी बात नहीं होती है, इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए समझे, और अंदर से वो एकदम बदसूरत है इसीलिए तो इतना चिल्लाती है। अरे ये दुलाल तो कच्चा आम है, इसको क्या समझ आएगी अंदर की बात। जब तक पकेगा नहीं तब तक समझेगा नहीं। कुकी पकेगा, कौन पकाएगा इसको, वो तो स्वयं सेवक है। लपड़ मार देंगे। हर वक्त मजाक थोड़े ना अच्छा लगता है। ये दुलाल है सर। ये हाँ। ए इधर आओ। कोई बम दिला डाल दिए साहब। हमको तो लगता है यही होगी पिंकी। चलो 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 हो गया, आइए आइए। कि माठा बहुत डर कर रहा है, काम करो।
डिस्पेंसरी चलते हैं बैंडेज के लिए, पट्टी बदलवाने। और जनाब यहाँ पूछताछ भी तो करनी होगी ना इन लोगों से। आटो जमीन भी आप शटर बंद करवा के चाबी अपने पास ले लीजिए। अच्छा, हम जो ये क्या है गुलाल, इसको लेकर गाड़ी में बैठते हैं, जीप में, वही पूछताछ शुरू कर लेंगे। ठीक, अब सुनो तुम ये पार्लर का ताला बंद करो। गुलाल नहीं, नहीं साहब, दुलाल, दुलाल, दुलाल। हाँ दुलाल, दुलाल जी। अच्छा, ये क्या नाम है दुलाल? दो मिनट जरा रोकिए, तुम दो मिनट रोके रोकिए, आते हैं अभी। ए सुनो, वही वाली फेयरनेस क्रीम दे दो। हाँ वही। चलिए जनाब, जनाब वो हमारी बेगम ने मंगाई है, वो हमारी बेटी के लिए, वो ज़रा हम पे गई है ना, उसका रंग, हमारी बेगम तो बहुत गोरी है जनाब, मतलब हम दोनों को साथ में देख के पता है लोग क्या बोलते हैं जनाब? जस तवे पे रोटी, तवे पे रोटी। बताओ क्यों किया बुलबुल का कत्ल? कत्ल? नहीं साहब, हम सच बता रहे हैं, हमने नहीं मारा है उनको, गंगा मैया की कसम खा के कह रहे हैं। अबे गंगा मैया की झूठी कसम मत खाओ बे। तुम्हारे बुलबुल मैडम से कोई ऐसा आदमी भी मिलने मिलने आता था जिस पे तुम्हें शक हो, मतलब पार्लर में, पार्लर के बाहर? हैं, भोले मत बनो, भोले भंडारी हम है, जटा शंकर। सच बताओ बेटा, नहीं तो बता रहे सूद देंगे तुम्हें। बताते साहब, मैडम को हम ना दशा समेत घाट के पास ना एक बड़े से पुराने घर के बाहर जाके छोड़ दिया करते थे साहब। कौन बे वो जिससे बुलबुल मिलने जाती थी वहाँ? पता नहीं साहब, पर जब भी वहाँ से आती थी ना तो गुस्से में होती थी, मूड ऑफ रहता था उनका, पता नहीं साहब। काम करते हैं जनाब, इसे फिर से डालते हैं जीप में, जब आप गियर बदलते हैं जनाब। बेटा गियर बदलते हैं। अरे नहीं साहब, साहब बताते साहब, साहब हम बताते हैं, हम बताते हैं। वो याद आ गया साहब, वो पार्लर में ना एक श्रीवास्तव नाम की औरत आया करती थी साहब, एक दिन तो आकर उन्होंने हुकम मचा दिया। अरे अरे, होश में तो है मैडम आप? अब तो हम तुम लोगों का होश ठिकाने लगाएंगे, लोगों से झूठ बोलते हो, धोखा देते हो लोगों को। ये क्या किया आपने? देखिए आप हमारे पार्लर में आकर इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकती हैं। माफी मांगी आप रोहित से? माफी मांगी की मेरी जूती? अरे पगला गई है का? चुप कर, तुम पीछे जाओ। पहले तो आप शांत हो जाइए। खन्ना मैडम के लिए पानी लेकर के आओ। हाँ। नहीं चाहिए ये पानी वानी, पढ़ लेना ये कागज, केस किया है हमने आप लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का। देखिए मैडम, आप जैसी हैं, हम बस उसी को थोड़ा सा और निखार सकते हैं, बस आपको पूरा नहीं बदल सकते। हाँ? तो क्यों खोल के रखा है ये पार्लर? ये लगा लो तो सुंदर, वो लगा लो तो अच्छा लगेगा, और हम तो जस के तसू रह गए। मैडम पानी। देखिए
एक औरत को ना अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। आप अंदर से बदसूरत हैं, इसलिए इतना हल्ला कर रही हैं। क्या जानते हो तुम औरत की अंदर बाहर की खूबसूरती के बारे में? हाँ बोलो। इस सब का जवाब ना कोर्ट में मिलेगा, कोर्ट में। आई बड़ी सुंदर बन गई तो ये औरत पहले दिन से ही पागल लगती थी। आपा हैं जिसका इतना इंतजार कर लेते हैं। क्या हुआ? चेहरा इतना सैड काहे है? अरे बोलो, इस साइलेंट मोड में काहे हो? अरे हमारे पार्लर पे ना किसी पागल ने केस कर दिया है। कौन बड़ी बात है, सब तो होता रहता है। ये क्या कर रही हो? ऐसे होता है मसाज? साला, लाइफ में प्लेजर के नाम पे यही एक बचा है, तुम्हारा मसाज, और वो भी शरीर के ऊपर के हिस्से में जहां तनी मनी दम खम है, और बकिया कमर के नीचे तो सब कंडम है। साला, ठीक से करो। मजबूरी है, चलो हमें ये सब करना पड़ता है। हाँ? हमको तो लगता है कि हमारा पार्लर बंद ही हो जाएगा। वकील साहब का नंबर बुलबुल को व्हाट्सएप कर देना। हाँ अभी रविदास गेट पहुंचने वाले हैं, उसके बाद बताइए प्लीज। यहाँ लस्सी के सामने खड़े हैं, बता नहीं सकते हो? ऐसे ऐसे पाल रखे हैं तो पालर तो हमारा बंद होगा इस बार।
देखे मैं लगा था एक दो दिन से खाई लेना हुआ का परेशान हो गए रोज रोज के चक्कर। अरे जाओ भाई, हम अपना पार्लर चलाए कि रोज वकीलों के चक्कर ही काटते रहे, पता नहीं कहाँ ये गूंगे हो क्या बोल नहीं सकते थे। बैठिए, पता नहीं कहाँ कहाँ के कार्टून हमने अपनी जिंदगी में पाल रखे। प्लाटो ने कहा था, प्लाटो का नाम तो सुना है ना? हाँ जानते हैं जनाब, एक ग्रह है ना। अरे नहीं यार, वो प्लूटो है। प्लाटो, प्लाटो एक महान आदमी था। क्या क्या कहा था जनाब? उसने कहा था कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। अंग्रेजी में कहा था जनाब, तो मतलब समझाइए। अरे मतलब सौंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। अच्छा, और जनाब यहाँ तो सब लोगों की आंखों में मोतियाबिंद है। वो आपके प्लूटो है ना, वो आके सब लोगों को बताएं, हमारी बेगम को बताएं, तब तो हम मानेंगे ना। तुम यार, प्लूटो नहीं प्लाटो। मिल गया प्लूटो फोटो। ऐसा लगता है कि दोनों बहनों की बचपन की फोटो है ये। ये देखिए जनाब। देख के लगता ही नहीं कि दोनों बहनें। इसकी पिंकी जैसी खूबसूरत बहन हो, वो तो इसकी खूबसूरती के तले दबके ही मर जाए। दीदी के बारे में ऐसा वैसा मत बोलिए। नहीं मतलब, दीदी बहुत खूबसूरत थी, रंगी तो दबा हुआ था बस। अबे पानी लेके आओ बे मैडम के लिए। आप जो है पानी, अब बैठिए आराम से। पानी माथा बहुत तेज दर्द कर रहे, काम करो तुरंत। चाय बना के ले आओ, एकदम अदरक डाल के खौला के बनाना है। जाओ चाय बना के ले आओ, जाओ। तो मियाँ हमको भी बताओ कि दोनों बहनों में कैसा रिश्ता था। समझ सकते हैं, कहने की जिंदगी बहुत अनसर्टेन होती जाएगा, छूट जाएगा हाथ से। बाल पकड़, बाल पकड़। अरे लगोट पकड़, लगोट पकड़।
फिसल गया ना, पकड़ो उसको। ए ए पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, गोली मत दो, पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, लग जाएगा। अम्मा पापा के जाने के बाद दीदी ने ही हमें दिल्ली भेजा ताकि हम बड़े पार्लर में काम कर सके। अच्छे पैसे कमा सके। हम दीदी को अकेला छोड़ के नहीं जाते तो दीदी आज जिंदा होती। इतना घबरा क्यों रहे हो? हमको तो बस इतना बतला दो कि वो जो पार्लर वाली लड़की है रूपा, उसने घर घर जाके काम करना क्यों बंद कर दिया? दुलाल ये सब क्या है? दीदी, दीदी वो अब हमसे बाहर का काम नहीं हो पाएगा। पर हुआ क्या है बताओगी? सुमित जो है ना वो... मैडम, आज के बाद रूपा घर घर जाकर काम नहीं करेगी। देखो मिस्टर, ये हमारा पार्लर है और यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। तुम अभी यहाँ से फटाफट निकल लो, नहीं बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बुरा तो तब होगा जब हमने जैसा कहा वैसा नहीं होगा। ये सब तोड़ ताड़ कर गंगा में विसर्जन कर देंगे हम, समझी? फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहे हैं सबको हम, दोबारा समझाने नहीं आएंगे हम किसी को। अरे रूपा, तुम तो कहती थी तुम्हारा सुमित बहुत लाड करता है, ये है लाड? दीदी, सुमित बहुत ही शकी मिजाज का आदमी है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम ये होम सर्विस करें। इनको भी मारा, हमको भी धुन दिया। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, डर लग रहा है दीदी। तुम आज के बाद बाहर नहीं जाओगी, ठीक है? जाओ तुम अंदर जाके मुंह धो लो, प्रमिला इसे ले जाओ। जाओ। कैसे होगा दीदी, दशहरा है और फिर दिवाली भी आने वाली है, उसके बाद शादी ब्याह का टाइम भी आ जाएगा, बाहर के काम का लोड बहुत बढ़ जाएगा, संभालेगा कौन ये सब? वो तो है कुट्टी, पर अब क्या करें, रूपा के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते और तुम दोनों भी बाहर नहीं जा सकती हो। एक तो उस चुड़ैल श्रीवास्तव ने केस कर रखा है और ऊपर से ये नई मुसीबत। दीदी आप पिंकी कहाँ नहीं बुला लेते, वो बाहर काम संभाल लेगी। तुम ना ज्यादा बीच में दादा मत बना करो, समझे? वो वहाँ खुश है और चैन से काम कर रही है दिल्ली में, हम उसको इन सब झमेले में नहीं खसीटा चाहते हैं। हमको लगा आप, आपकी छोटी बहन है तो इतना तो। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? पता नहीं क्यों हमारी बात तो सुनती समझती नहीं। तुम पहले दुलाल को अंदर लेकर के जाओ, उसको दवाई वाई लगाओ, पट्टी करो। हमें तो लग रहा है खन्ना ठीक ही कह रहा है, पिंकी को बुला ही लो। श्रुति तुम तो सब कुछ जानती ही हो। हाँ हम जानते हैं, लेकिन सर पे इतना सारा काम जो है, कुछ ही दिनों के लिए, ये सीजन भर के लिए, त्योहार और लगन का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर भेज देना उसे वापस दिल्ली, क्या दिक्कत है? नहीं दुलाल, पिंकी। हाँ, दीदी हाँ। बताई थी तुम लेने आओगे। एक हटार आप तक है। बंदिशे तोड़ के आसमान में उड़ूं, ख्वाहिशे रोक लूं या खुली जोड़ दूं। बंदिशे पौष्टिक बादाम ठंडा है, जल्दी बना दीजिए। तुम पियोगे? क्यों नहीं पिएगा?
बहु धीरे धीरे मनवा आगे रे बहु धीरे धीरे मनवा आगे रे इस हवा से निहार लागे रे ओ इस हवा से दीदी अरे कैसी हो आप तुम कैसी हो अरे कैसा रह सकता तुम तो बड़ी दुबली हो गई हो अरे कहाँ खाका के मोटे हो गए हो अब यहाँ पर इतना पचड़ा खड़ा हो गया कि तुम्हें बुलाना ही पड़ा अरे हुआ क्या बताए नहीं फोन पे देख के लगता नहीं आप दोनों बहने हैं हाँ हाँ पता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो निकलो बाहर हम तो छोड़ने आए थे वैसे भी बचपन से ही अम्मा हमें पिंकी के जैसा गोरा और खूबसूरत बनाने के लिए ना ढेर सारा टैल्कम पाउडर मल देती थी अब गोरे का तो पता नहीं पर सफेद भूत जरूर लगते थे क्या दीदी खूबसूरत तो हैं आप बस रंगी तो थोड़ा दबा हुआ है खैर अब ये सब छोड़ो 2 साल के बाद वापस आई हूँ श्रुति के साथ मिलकर के सारा सिस्टम अच्छे से समझ ले अब की बार आ गए ना तो जाएंगे नहीं जल्दी चलो पहला दिन हमारा लेट कराओगे क्या गुनगुनाए है साथ मेरे यूं ये फिजा ये नदी ये सबा गुनगुनाए है नमस्ते पिंकी ब्यूटी पार्लर ये फिजा ये नदी ये सबा सर्दियों की धूप से इतनी देर आजकल तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है हर समय मटर गश्ती करना ठीक नहीं है ये बनारस है दिल्ली नहीं सॉरी दीदी चलो अब से कम 100 साल पुराना है बाप रे 100 साल हम छोटे से थे ना तब से आ रहे पीछे वाला देख रहे हो ना हाँ वो थोड़ा नया देखो पीछे हाँ। वाला अरे ओले तो लाल के गाल हो गए गुलाल जैसे लाल आप समझ में आया कितना दर्द होता है हाँ ऐसी थोड़ी ना मिलती इतनी चिकनी टांगे लाओ दूसरा भी कर देते नहीं नहीं अरे लड़का लोग का कभी वैक्सीन नहीं किया आओ कर देते लड़का लोग थोड़े ना कराते हैं सर चचा एक तो चाय दीजिएगा
जी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आएगी? अभी पता करते हैं जनाब। लेकिन अभी इसने दुलाल ने बताया कि ब्यूटी पार्लर में एक लड़की काम करती है रूपा, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, उसने रूपा को भी पीटा, दुलाल को पीटा और बुलबुल को जान से मारने की धमकी भी दी। बुलबुल ने तयन क्रांति आप ही की वजह से फूटी है, छोड़ेंगे नहीं आपको, बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जाओ 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 यहाँ से। चलो 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 जाओ। देखिए पिंकी जी, हम आपके बुलबुल दीदी के कातिल को जरूर पकड़ लेंगे, आप चिंता मत करिए। बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या यह मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या यह मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या यह मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-209-01701 पर। चलो साला मजनू की औलाद, तुमको बताते हैं बे। चलो साले, चलो चल 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 साले चल। अबे साला भागता है, खड़ा खड़ा साले, खड़ा खड़ा साले खड़ा। अरे बे साले साले चर्सी खड़ा तो बनी जा रहा तुम सिर्फ साले भागने की फिराक में हो तुम। हाँ सोच लो। जी जी साहब। जनाब पे पिट्ठू खेल रहे हैं। पिट्ठू? सर 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 टाइम प्लीज टाइम। हम आपको बताएं कि कैसे मारा जाता है पत्थर? अबे तुम बताओगे बे कैसे पत्थर मारा जाता है। जनाब ये मजनू एकदम फुलटू है, पहले इसका भूत उतारते हैं फिर इनका नशा। जाइए जनाब। अब जाके हुआ हिसाब बराबर। आइए चलो भाई। सकल से तो भोजपुरी हीरो लगता है जनाब, ये भी गोल्ड फेशियल करता होगा। अब हम करेंगे तुम्हारा फेशियल यहीं पे। साले लड़की पे हाथ उठाते हो, एक औरत को जान से मार डालते हो, शर्म नहीं आती? नहीं सर, हमने जो है नहीं किया सर, बुलबुल का कत्ल। कत्ल? साले हीरो बनते और कत्ल नहीं बोल पाते ठीक से। समी मियां लीजिए जनाब, फेशियल करना शुरू कर दीजिए इनका। गोल्ड वाला? नहीं सर,
चलो बे, चलो चलो आ जाओ आओ बेटा मजनू के वाला। जनाब, जनाब वो मजनू इतना नशे में है कि डंडे का भी कुछ असर नहीं हो रहा। जनाब वेस्ट इंडीज में तो सभी काले होते हैं, वहाँ कैसे पता चलता है कि कौन खूबसूरत है और कौन नहीं? नहीं प्लाटो से पूछो। हाँ? वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज थे हाँ? वो इतनी तेज गेंदबाजी करते हाँ? थे कि गायब हो जाती थी, खाई नहीं देता था गेंद। हाँ? इन्हें बड़ा गुमान था अपनी गेंदबाजी में। गुमान, गुमान, तुम्हें बड़ा गुमान है अपनी उर्दू पे। लाउंडे से कुछ उगलवा पाएगी? नहीं जनाब, हमको नहीं लगता कि लड़के ने कुछ किया है। प्रमोशन चाहिए? हाँ हाँ जनाब। मूली खिलाइए, आइए इल्लो सर, उठो चल। साहब सुमित को छोड़ दीजिए, वो हाथ उठा सकता है, किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और साहब आप मिसेस श्रीवास्तव को काहे नहीं बुलाए थाने में? वो भी तो कर सकती है दीदी का खून। हाँ 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 साहब, बहुत है चुड़ैल औरत है। हाँ। उसने बुलबुल मैडम को तंग कर दिया था, पार्लर पर केस कर दिया था उसने। अबे तुम तो चुप ही करो, हमको तो कभी कभी लगता तुम ही बुलबुल दीदी का मर्डर किया। खन्ना, तुम बड़े दूध के धुले हुए हो। हम का किए? चुप रहो तुम। साहब वजह तो इसके पास भी बुलबुल को बुलबुल का मर्डर करने की। अरे ये पगला गई है काई, हम काहे मर्डर करेंगे? आज कोरट की तारीख है का? ओ, तभी पूजा पाठ। गुड्डी ये दुलाल कहाँ है, हमें देर हो रही है। जी वो पिंकी को लेके गया है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। दीदी हमको लगता है इसका मन नहीं लग रहा पार्लर में। गुप्ता जनरल स्टोर वालों का स्कूटर वैसे भी खड़ा ही रहता है, जाके ले आओ। अरे हम भी यही सोच रहे थे, तो हम स्कूटर लेके आते हैं। अरे महाराज, पहली बार ऐसा केस आया है। ये लता श्रीवास्तव कौन है? जी हम। आपने ये ब्यूटी पार्लर वालों पर केस क्यों किया है? साहब हमारी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है, कहीं हमारा पति हमको छोड़ ना दे। लेकिन भाई ये ब्यूटी पार्लर वालों से क्या लेना देना है? लोगों का तो लेना देना है। अरे कागज हमने सब चेक कर लिया, सब सही है। तुम भी ना बैठो। मिलॉर्ड मैं बताता हूँ। बताइए। दरअसल ये आप चुप रहिए, हम ही विस्तार से बताते हैं। देखिए पहले तो पार्लर वाले सब वादा करते हैं कि खूबसूरत बना देंगे, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं। वो लिस्ट दीजिए। हाँ ये रही मिलॉर्ड। देखिए
पार्लर पर मैं महीने का 10,000 रुपया खर्चा करती हूँ। हर्बल फेशियल 300 रुपए, गोल्ड फेशियल 550, ब्लीचिंग 200, फ्रूट फेशियल 330 और भी बहुत कुछ है जो मैं बता नहीं सकती सबके सामने। देखिए जय साहब, ऐसा है कि हम कभी किसी को भी नहीं कहते कि हम फेशियल से किसी को भी सुंदर बना देंगे जी। बस थोड़ा सा निखार ला सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब गोबर को गुलाब तो नहीं बना सकते हैं ना? आपने गोबर किसको कहा? अरे मिसेस श्रीवास्तव, हम आपको गोबर नहीं कह रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रही हैं, वो भी आज और हमारे ही सामने। क्या हमें अकल नहीं है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कुछ समझने की कोशिश कीजिए। अब जरा शांत रहिए मिसेस श्रीवास्तव, इनको बोलने दीजिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आप एक बात बताइए, कोई इन ये सारी क्रीम वाली कंपनियों के ऊपर केस क्यों नहीं करते जो कहते हैं कि हम 4-5 हफ्ते में गोरा बना देंगे? आप एक इंसान हमें बता दीजिए जो गोरा हुआ हो। मतलब ये जो गोरा बनाने वाली क्रीम है, ये किसी को आज तक गोरा नहीं बनाई जी है। नहीं, ये फेयरनेस क्रीम से खाली ये जो थोड़ा सा सांवला पना जाता है धूप की वजह से, खाली वही ठीक होता है और कुछ भी नहीं। अब हम किसी का ओरिजिनल रंग थोड़ी ना बदल सकते हैं। लेकिन भाई ये माइकल जैक्सन तो बहुत काला था, फिर वो कैसे गोरा हो गया? अरे सर, अरे जज साहब, फेशियल से नहीं हुआ है, उसके लिए वो केमिकल ट्रीटमेंट और क्या कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, इन सब से होता है। अच्छा, और हमारे छोटे से पार्लर में ये सब कुछ भी नहीं होता है। जज साहब, हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल मिलोर्ड। देखने कहा था कि ये हमें सुंदर बनाएंगे, लेकिन ये तो बना नहीं पाए। लेकिन आप तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। यही बात तो हम भी इनको समझाते रहते हैं। वकील साहब, आपके पास कोई सबूत है कि ये पिंकी ब्यूटी पार्लर वालों ने ऐसा कोई वादा किया था आपके क्लाइंट के साथ कि इनको और खूबसूरत बना देंगे? दरअसल मिलाड, इस बार तारीख कुछ जल्दी पड़ गई थी, इस वजह से मैं सबूत नहीं जुटा पाया। अच्छा। लेकिन इनके खिलाफ सबूत मैं ला दूंगा। या इतने सारे केस पेंडिंग पड़े और आपको इतनी जल्दी तारीख मिल गई, फिर भी आप सबूत इकट्ठा नहीं कर सके? मामला बहुत सीधा सा है सर, आज ही हो जाएगा, कोई ये लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब अगली तारीख पर मिलेगा। आपसे विनती है कि केस आज ही खत्म कर दीजिए ना, बेमतलब का केस किया हुआ है। अब अगली तारीख पर सुनवाई होगी। पता नहीं कौन सा पतला पतला गली से हमको लेकर क्या था। आह, जरा रोको तो स्कूटर, ना 2 मिनट जरा रोको। अरे अरे काकी हैं, अरे हम काय मार रही है, काय बेइज्जती कर रही है बीच सड़क पे, का किए हम है? अरे तो बताइए का किए? ए अरे ए तू बना ना, ए चल महिला को छेड़ता साला, बनारस में महिला को छेड़ता साला, मर्द बना दूंगा। तुम लोग कौन है भाई? तुम कहां मार रहे हो बे? हमको लगा कि आपको छेड़ रहा होगा। अच्छा सालो, तुम लोगों से अपने घर की तो औरतें संभलती नहीं है, और चलो यहाँ पे दूसरों का सम्मान बचाने, चलो फुटो यहाँ से। अजीब औरत है। और तुम ठरके महाराज, यू ही रोंगटे रहोगे, चलो अभी। कहाँ चला गया चश्मा? हाँ? आपको ही दे रहे थे। कहाँ चला गया? वो चलो स्कूटर है, ऐसा है, चलो नहीं, और अच्छा सबक तुमको सिखाएंगे अभी हम। श्रुति, इस खन्ना का हिसाब करो, मुझे आज के बाद ही मेरे पार्लर में दिखाई नहीं देना चाहिए। गलती होगी दीदी, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे दीदी। एक तो साला ये गुप्ता का स्कूटर भी, दीदी स्कूटर से गलती हुई, हमसे गलती नहीं हुई, हम जानबूझ के ब्रेक नहीं लगाए दीदी, माफ कर दीदी। कान पकड़ रहे, उठक पटक, पाप पकड़ रहे हैं आपकी दीदी। अपनी ये नौटंकी बंद करो और दफा हो यहां से, आइंदा नहीं करेंगे दीदी। दीदी एक बार बोल दो माफ किया, दीदी बोल दो। बुलबुल ने तुम्हें माफ कर दी, हम नहीं करेंगे। जिसने तुम्हें खाने के लिए रोटी दी, तुमने उसे ही जान से मार डाला है?
बुलबुल दीदी को हम कहाँ मारेंगे? हम तो साहब वो दिन के बाद नजर उठा के नहीं देखे साहब, बस अपना काम से काम करते थे। अरे कहाँ मारेंगे साहब? लग रही साहब, लग रही साहब। जनाब आपको पक्का यकीन है कि ये मर्डर ही है? नहीं मतलब अब देखिए ना, कोई भी कमबख्त ये कबूल ही नहीं कर रहा कि ये मर्डर है। समी साहब आप क्या यहाँ निकाह पढ़वाने आए? कबूल है, कबूल है, कबूल है। और हमें लग रहा है कि आप पहली बार मर्डर का केस हैंडल कर रहे हो। अरे नहीं। तो पिंकी को कहीं नहीं बुलाते हैं आप यहाँ पूछताछ के लिए? समी साहब हमें मत समझाइए, हमें पता है कि कब किसे कैसे और कहाँ बुलाना है, समझ रहे हैं आप? जनाब पार्टी चोखा बढ़िया से बन जाएगा तो हमको छोड़ देगा ना साहब? देखिए एकदम नरम नरम बनेगा बाटी। हाँ वो तो खाकर ही पता चलेगा ना। हाँ फोन चार्जिंग पे लगा दिया क्या? अरे सुनो भाई ये बाटी चोखा बना रहे हो एकदम चटकदार है, होना चाहिए बढ़िया से मर्चा उर्चा डाल के। समी साहब ये कौन है? समी साहब इधर आइए। मिसेस श्रीवास्तव। जी सर। अरे साहब हमने कुछ भी नहीं किया है। कुछ करके बोल रही हूँ, कुछ नहीं किया है। अरे हमको अगर किसी को मारना ही होता तो हम उसे ना मार देते, उस औरत को, उस चुड़ैल को जिसके पीछे मेरा पति पागल हो गया है। साहब इस चुड़ैल के भोलेपन पर मचाइए। बकवास मत करो। अच्छे खासे पार्लर पर केस ठोक के बैठी हुई है जिसकी वजह से बुलबुल दीदी बहुत परेशान भी थी, बहुत ज्यादा टेंशन। अरे हमारा दिमाग इतना भी पागल नहीं है कि हम किसी को मार दें। वो तो केस हमने इसलिए किया कि इन लोगों ने कहा था कि हमें खूबसूरत बना देंगे पर बना नहीं पाए। अच्छा तो इसलिए जो है आपने बुलबुल को मरवा दिया? हाँ साहब बिल्कुल यही बात है, इसी ने करवाया। चुप रहो तुम। हमने कुछ भी नहीं किया, हम कहाँ किसी को मरवा सकते हैं। अरे बुलबुल जी तो बड़ी अच्छी औरत थी और उनसे कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी ना थी। अरे तो केस कहाँ कर दी थी आप? अरे केस हम वापस ले लेंगे, हमारा तो दिमाग खराब हो गया था। साहब हमने कुछ नहीं किया, साहब भगवान से हमने कुछ नहीं किया। मान लो भाई बात साहब, ये सब ये दुलाल ने किया है। हम बता रहे साहब ये दुलाल ने किया। पागल हो यार तुम? पूछो साहब इससे। नहीं सर, नहीं सर, अरे तुम सब सब समझ रहे हो? अच्छा अरे साहब हमको फंसा रही है ये सब, इसके बाद क्या मर जाएंगे हम? बोल रहे हैं सर हमारी बात, हमारे साथ चल, अरे तुम लोग चल 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 सर तुम लोग समझ रहे हो? साहब आप इससे पूछो साहब हमको क्या पकड़ लिए हो? चल ना तो समझाओ ना, हम नहीं किए चल देखता तुम है साहब। अरे कहां बेटा, हम नहीं किए साहब। अरे साहब छोड़ दो साहब, खिलाएंगे बेटा तुम लोग को सब। अरे बात पर साहब इसने मर्डर किया साहब? नहीं साहब हमने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साले, तूने किया है। अरे तू क्या कर रहे हो यार? हम तुमने मारा है। अरे भाई ना हट, हमने नहीं मारा यार। अबे अबे क्या कर रहे हो? अबे अबे छोड़ो 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 तू हेलो हेलो जी जी आपको भी मुबारक हो जी। जनाब हमारी बेगम प्रेग्नेंट है जनाब। मुंह कहाँ लटकाए हो? तुम्हारा ही है का? नहीं नहीं हमारा ही है जनाब, लेकिन हमको बहुत टेंशन हो रही है जनाब के आने वाला बच्चा जो है वो भी कहीं हम पर ना चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीवी पे जाए बच्चा, तब तो गोरा ही होगा। आओ बैठो। अच्छा हट साले
साहब बात मत मानिए साहब, बहुत झूठा साहब, बहुत झूठा साहब, बहुत बड़ा छुपा रास्ता साहब, हम बता रहे साहब, ये अचानक ना नहीं नहीं शर्ट पहनने लगा। सर तुम्हारे भाव के पैसे पहने थे क्या? हम थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ किसने मारा था साहब? इससे पूछो किसी ने इसको थप्पड़ क्यों मारा था? साहब इसको तो बीच सड़क पे बुलबुल मैडम ने चप्पल से पीटा था, साले को पूछे। अरे पूछे तो हम बता चुके हैं। हाँ तो सब बताया सर साहब हमने। अरे तो हमारे बारे में कुछ भी बहुत है। अरे साहब हमारे पीछे पड़ा रहता है। और सर और बता रहे साहब एक दिन इसने ऐसा कुछ किया था कि बुलबुल दीदी के होश उड़ गए। पूछो पूछो नहीं पूछो हम ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूछो हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे साहब। हाँ पता काम करो समी भैया जी, अब ये खन्ना को लेके जाओ। हा? वो बाहर जो बैठे हैं ना उनको भी जाने दीजिए। आज जो हम दुलाल का हनीमून यही मनाएंगे। अरे नहीं साहब हम कुछ नहीं किया। आप समझाइए साहब। साहब समझाएंगे ना जनाब समझाएंगे। चलो भाई चलो चलो चलो। साहब हंस रहा था वो। बैठो बैठो चेयर पे। मेरी बात सुनिए साहब। अरे मेहमान हमारे बैठो। हाँ वैसे ही ठीक है। खींच के तो बैठो ना। वैसे ही ठीक है। बैठो बैठो इधर आओ खींचो कुर्सी। एकदम शुरू से बिल्कुल सही सही पूरी स्टोरी बताओ कि क्या हुआ था। बताते हैं साहब। उस दिन वकील साहब के यहाँ से निकल कर ना बुलबुल मैडम बहुत परेशान थी, तो पहले हम उनको लेकर उनके घर गए साहब। ऐसे मुंह फुलाए काहे खड़े हो? उस दिन थप्पड़ मारा था इसलिए? वैसे तुम सही कह रहे थे, इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन अंदर की खूबसूरती देखना कौन चाहता है? अब बैठोगे कि तुम्हें इसके लिए भी निमंत्रण दें? कुछ खाओगे? सुबह से तुम भी भूखे होगे। आधा दिन तो इस वकील के चक्कर में ही निकल गया, दिमाग भन्ना गया हमारा। अरे तुमसे पूछ रहे हैं कुछ खाना है? हाँ। कोई तो जैसे टेप लगा करके बैठा हुआ है। ये हम और हमारी बहन पिंकी है, 2 साल से घर नहीं आई है। तुम इसे नहीं मिले हो? दिल्ली के एक बहुत बड़े पार्लर में काम कर रही है, हमसे 5 साल छोटी है और बचपन से ही सबकी बड़ी लाडली है। टेंशन में होते हैं तो ले लेते हैं कभी कभी थोड़ा, बचपन से ही सुनते आए। पिंकी तो बड़ी गोरी और खूबसूरत है, पर बुलबुल उसका तो रंग दबा हुआ है, सांवली है बेचारी। पापा पर गए तो क्या कर सकते हैं। अम्मा हमसे कहती थी कि तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी, तुम्हें कौन लड़का पसंद करेगा? लड़के तो पसंद करते थे मगर उनके घर वाले नहीं, उन्हें गोरी बहू जो चाहिए थी। पता नहीं भगवान सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाता, गोरों के सुरखाब के पर लगे होते हैं क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं?
तो तुम झूठ भी बोल लेते हो? नहीं, सच में आप खूबसूरत लग रही हैं। हम सच में खूबसूरत हैं? हाँ, सच में आप बहुत, गंगा मैया की कसम। अरसा हो गया हमने ये शब्द नहीं सुना। सेक्स मतलब हो गया? साले, देख के लगता नहीं कि तुमने जिंदगी में कुछ किया भी होगा। वो बेचारी वहां अपना दुखड़ा सुना रही थी और तुम संभोग कर लिया उसके साथ। सब हो गया, बस हो गया। सुनो, ये सब जो यहां हुआ है, अपना मुंह मत खोलना कहीं, समझे? हाँ, मतलब हमारी नौकरी चली जाएगी क्या? पागल हो क्या? बच्चे हो, हमें यहां पार्लर चलाना है, विश्वस्त आदमी मिलता कहाँ है आजकल? ठीक है। और सुनो, ये रख लो, अपने लिए नई शर्ट खरीद लेना। कुआं खोद कर निकालने गए थे, कितनी देर लगा दी? दीदी, अब 210 रुपए बच गए थे। अब से दीदी मत बुलाया करो, मैडम बुला लो, समझे? मैडम, मैडम ये 210 रुपए बच गए थे। ठीक है, तुम रख लो, एक नई शर्ट और खरीद लेना। अबे तुम ये बताओ कि जब तुम्हारा वो बाबा बुलबुल के साथ नैन मटक का चल रहा था, तब वो पिंकी कहाँ थी? दिल्ली। मतलब तब तक दिल्ली से आई नहीं थी पिंकी? नहीं सर। अबे तो कब आई वो दिल्ली से वापस? वो जब रूपा ने घर घर जाकर वो पार्लर वाला काम करने से मना किया, तब पिंकी को बुलाया गया। और जनाब, उसके बाद पिंकी ने आते ही अपनी बहन बुलबुल का मर्डर कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ आप उसे तुरंत थाने बुलवाइए और तहकीकात शुरू कीजिए। एक मिनट समी साहब, आप ना मतलब तुरंत फैसला सुना देते, अभी बहुत कुछ है साले के पेट में, पहले वो उगलवाना पड़ेगा। सुनो,
अब जब से पिंकी आई तब से हर एक चीज बिल्कुल विस्तार से बताओ। हाँ साहब, वो पिंकी जब आई ना साहब, तो रूपा की जगह पिंकी घर घर जाकर वो होम सर्विस वाला पार्लर का काम करने लगी और हमारी ड्यूटी लगी सर उसको ले जाने की। फिर वही, ये तो तुम पहले बता चुके हो बे। कुछ कुछ नया बताओ। हाँ विस्तार से बताओ, नहीं तो तुम्हारी बताएंगे। बताते हैं साहब, वो अंग्रेज देख रहे हो, दिल्ली में हमारा बॉयफ्रेंड था ना, बिल्कुल ऐसा दिखता था अंग्रेज जैसा। बहुत रौब झाड़ता था हम पर, हुक्म चलाता था यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। हम पर कोई रौब झाड़े ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, केवल बुलबुल दीदी ही रौब झाड़ सकती है, इसलिए टाटा बाय बाय कर दिए उसको। बॉयफ्रेंड है ना, तुम्हारे जैसा होना चाहिए, चुपचाप जो कहे वो करे, सिर्फ हाँ ना, चाबी लगाई गुड़िया होती है ना वैसा। ऐसा नहीं है, हमको सब समझ आता है, बोलते नहीं है बस। का समझ आता है तुम्हें, महीने भर से देख रहे हैं कुछ बोलते नहीं। ऐसा नहीं है, इतना तो हमको पता ही है कि औरत को ना अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। अरे वाह, कौन से कहा तुम्हें ये सब। नहीं माने कि वो आती है ना कुसुम जी पार्लर। हाँ। में वो दिखने में बहुत गोरी हैं, खूबसूरत हैं। हाँ। पर जब आती है ना हल्ला करती रहती हैं, सब पर चिल्लाती रहती हैं, गाली गलौज करती रहती हैं, मतलब अंदर से खूबसूरत नहीं ना हुई। हाँ नहीं, हम मान रहे तुम्हारी बात। अच्छा हम कैसे लगते तुमको। आप तो बहुत खूबसूरत है बाहर से कि अंदर से। अरे बताओ कावा बोलती बन। अच्छा ये बताओ, DLW की रामलीला देखे हो। नहीं तो चलो आज दिखाते। अच्छा। शत्रुओं का विनाश कर दूंगा। आप अपने सिंहासन पर बैठकर अखंड राज कीजिए। क्यों भानु। हाँ सरकार। शाबाश पुत्र शाबाश। हे महाराज, आज मैं करूंगा घनघोर लड़ाई लड़ाई। वही माइकल आज जो सदैव से हारा है वही दुष्ट हारेगा। आ जाओ सामने। बस माय माय करता है बकरियों की तरह और पकड़ के टांगे चीर दूंगा लकड़ियों की तरह। बस अजय परिवहन की तरफ से 501 रुपए भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। पिंकी ब्यूटी पार्लर की तरफ से भगवान के मांगलिक चरणों में 101 रुपए समर्पित होते हैं। जवाब तुम लोगों को कोर्ट में मिलेगा, कोर्ट में। श्रीवास्तव मैडम बहुत हो चुका। देखिए वकील साहब, आज तो हम आपको खत्म करके ही दम लेंगे। आप बस जल्दी से तारीख निकलवा। इसका जवाब मिलेगा तुम लोगों को कोर्ट में मिलेगा, कोर्ट में। इस केस के चक्कर में दौड़ते दौड़ते कहीं हमारी जिंदगी ना खत्म हो जाए। दीदी फोन रखिए, ये धनुष बाण उठाइए और श्रीवास्तव मैडम रूपी रावण को खत्म कर दीजिए। लीजिए। क्या बचपना है ये। ये हमने हमारे बच्चे भोलू के लिए खरीदा है, लाओ दो हमें। अरे नहीं श्रीदेवी, अरे भोलू तो घर में खेल लेगा भोलू, और हम तब तक। अरे दीदी एक तीर तो मारिए, शांति मिलेगी आपके मन को। श्रीवास्तव छोटे ही तुम्हारे पीछे। अच्छा अच्छा ठीक है, कर लो तुम भी। एक तीर बनता है। कोर्ट में जवाब कोर्ट में मिलेगा। श्रीवास्तव आज तो तुम गई। अरे सीधे तो खड़ी रहो मिसेस श्रीवास्तव। अरे ये क्या है, हमें भी चाहिए। कहाँ से मिला ये, इतना अच्छा है, हमें भी चाहिए। पिंकी तुम दोस्त कहाँ इतनी देर तक घूमती रहती हो, जो इतनी देर हो जाती है। वो स्कूटर का स्पार्क प्लग खराब हो गया था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। दीदी ले जाए ना। हेलो
जी जी सर, कल आपका पेमेंट पहुंच जाएगा दोपहर 2 बजे तक। हाँ 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 ठीक है। दीदी जानिएगा नहीं, आपके लिए ही कुछ लेने गए थे इसलिए लेट हो गया। क्या चीज़? ये देखिए। ये क्या है? पर्स है, देखिए तो सही। अच्छा है ना? बढ़िया है। अभी आप हमारे साथ चलिए, हमारे ब्रेक का टाइम नहीं है। अरे कल दशहरा, हम आपका फेशियल करते हैं। बढ़िया सा। क्या फेशियल पिंकी? क्यों? अरे पिंकी स्पेशल फेशियल करेंगे, चमक जाएंगी आप। तो आइए ना। पता है हमारे पर फेशियल फेशियल नहीं सूट करता है, कुछ होने वाला नहीं करेगा। हम कर रहे हैं ना फेशियल, आइए बैठ। तुम मानोगे नहीं ना, तुम सुनती नहीं। अरे गुड्डी जी। दीदी वो मेरी फेशियल वाली क्रीम लेके आना, चमका देंगे हम। ये लीजिए, करिए फेशियल, हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनती है। अरे लो, हो गया, और करो हमारा फेशियल। खन्ना, अरे देखो जरा ये ट्रांसफार्मर फिर से फूक गया लगता है। अरे पहले इमरजेंसी लाइट यहाँ लेके आओ। अरे ले आए। अरे इधर इधर यहाँ रखो। याद है पिंकी, अम्मा हमसे कहा करती थी, बुलबुल अंधेरे में ऐसे हंसते हुए मत आया करो, लगता है जैसे दांत चलते हुए आ रहे। दीदी अब हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है, हंसते रहा कीजिए ना हमेशा। चलो अभी फेशियल करो। अरे लाइट भी आ गई। लाइट भी आ गई, शुरू करो। अरे ये बैंड लगाने भूल गई। पिंकी जी दीदी, ये लो ताला बंद करो जरा। क्या किया ये बालों का, इतनी बड़ी हो गई अब तक बाल बनाने भी नहीं आए हैं। जाओ बाल खोल करके आओ, कितने सुंदर बाल हैं तुम्हारे। खोल ले ना, ताला तो लगा ले पहले। चले दीदी ये लीजिए चाबी। टेंशन मत लो, आज दशहरे के दिन ट्रिपल सवारी पर कोई नहीं रोकेगा। कितना सुंदर सूट है। तुमने जैसी टी शर्ट मंगाई थी ना, हम वैसे ही लाए हैं। ये लो। अच्छा है ना? हाँ। ठीक है, हम चलते हैं। बुलबुल जरा इधर आना। हाँ आई। बोलो रुको, ड्रायर दो। बोलो बोलो, हमारे सर पे गोली लगेगी तुम्हारी वजह से। चलो चलो बैठो, छोड़ो छोड़ो उसे, चलो बैठो यहाँ पे, शांति से बैठो और चुपचाप यहाँ बैठकर होमवर्क करो, समझे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं तो पिट्टी करूंगी और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझे? चुपचाप बैठो यहाँ पे। फिर से बदमाशी। हमारा है, तुम पहनोगे लड़कियों वाला। बैठे यहाँ पे चुपचाप।
टोपी पहनो और शांति से बैठो। हो गया तुम्हारा? सजन धजन से अगर फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा काम कर लेना। जयसवाल जी के टाइम पर पहुंचाना, बहुत पुराने कस्टमर है हमारे। काम में मन नहीं लगता है, सजने को कह दो बस। पिंकी की खूबसूरती, उसका गोरापन हमको हमारी बदसूरती का एहसास दिलाता है। हमसे सब कुछ छीन लेती है हमारा। अब क्या छीन लिया पिंकी ने? अब सब डिटेल में नहीं बता सकते हैं, पर्सनल है। अब अगर पिंकी हमसे ज्यादा गोरी है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अंग्रेजों की गलती है। 200 साल तक राज किया उन लोगों ने हमारे देश पर, और जो राज करते हैं लोग उन्हीं को सुपीरियर मानते हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, फिरंगियों की तरह, गोरा, ब्लडी फूल्स। तो अब क्या करें? अंग्रेज तो चले गए ना। अब अगर अफ्रीकन राज करते ना तो लोग कालों को पसंद करते और हर कोई काला बनना पसंद करता। हमें इतिहास मत पढ़ाइए। तो क्या करें बोलो? आ जाओ। एक बात बताओ, क्या सोच के लिए तुम ये टी शर्ट? ये दिल बना हुआ? नहीं, हमको अच्छा लगा तो ले आए। पसंद आया तुम्हें? हाँ। तो ये भी बता दो कि हम कैसे लग रहे हैं? आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। खूबसूरत लग रहे हैं? कहाँ से? बाहर से कि अंदर से? तुम्हें तो बहुत पता है ना औरत के अंदर की खूबसूरती के बारे में। दिखाएं तुम्हें अंदर की खूबसूरती। फिर से दोनों बहनों के साथ? समी मिया, औरतों को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। साली बहुत पेचीदा होती है। क्या अपने अंदर की खूबसूरती देख रहे हो? नहीं, वो बुलबुल मैडम ने भी ना ऐसी शर्ट फाड़ दिया था हमारा। अब नहीं, वो हमने कुछ नहीं किया था। वो मैडम जो शराब के नशे में थी तो जबरदस्ती। साले जितने भोले दिखते हो ना तुम, उतने हो नहीं तुम। समझते क्या हो तुम अपने आप? समझते क्या हो? बोले क्यों नहीं हमसे? बोले क्यों नहीं? दीदी को ऐसे लगता है कि हम सब छीन लेते हैं उनसे? नहीं। अरे माँ पापा और सब लोग हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी गलती है क्या? दीदी का रंग दबा हुआ है, पापा पे गई है तो हमारी गलती है? हर बात का गुस्सा दीदी हम पर ही निकालती है। बच्चे हैं क्या? बोले क्यों नहीं तुम? आज भी हम पर सबके सामने चिल्लाई। बच्चे हैं क्या हम? जो उनकी डांट सुनती रहे? बच्चे हैं क्या हम? जबरदस्ती हमें बनारस से दिल्ली भेजा। हमें दिल्ली जाने का मन था हमें? बिल्कुल नहीं था। गए ना हम दिल्ली? नहीं जाना था हमें। हमें सब पता है कि हमें क्यों भेजा।
तुम जैसे लोग सब बोलते रहते हो कि हम दोनों बहने नहीं लगती, इसमें हमारी गलती है? हाँ हमारी गलती है, हम उनसे ज्यादा गोरे तो हमारी गलती है का? हमारी गलती है? फिर दिल्ली भेज देंगी हमें कोई ना कोई बहाना करके। अब हम नहीं जाएंगे, अब हम दिल्ली नहीं जाएंगे, जो भी हो जाए हम बनारस छोड़कर नहीं जाएंगे। अब हम अपने फैसले खुद लेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए बनारस छोड़कर नहीं जाएंगे। पता नहीं दोनों कहाँ हैं, किसी के भी फोन नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों नहीं लग रहे दोनों के। पिंकी है कहाँ? जयसवाल जी के उसको 2 बजे पहुंचना था, अभी तक नहीं पहुंची है। हमको तो लगता है हमने उसको बुला करके ही गलती कर ली। लगा रहे हैं, लगा तो रहे हैं। के चक्कर हमारे कम थे जो अब ये भी पार्लर ही हमारा बंद करा करके रहेगी ये। पिंकी तुम शादी वादी कर ली हो क्या? ये क्या मजाक है पिंकी, तुम जयसवाल साहब के गई क्यों नहीं? दुलाल से शादी? हे भगवान, जाओ तुम लोग जाओ अपना काम करो जाकर के। साहब हमने पिंकी से शादी करने के बारे में तो सोचा भी नहीं था। वो पिंकी ने कहा कि अगर दीदी से, मतलब बुलबुल मैडम से, मतलब उनकी दीदी से। बुलबुल की दीदी? नहीं, पिंकी की दीदी बुलबुल, अगर उनसे बचना है तो हम पिंकी से शादी कर लें। तो हमने कर लिया साहब। समी मियां, इसने नहीं ली, इसकी ली गई है। बाप रे। अच्छा, घबराने की क्या जरूरत है हमें ना? चलो हमारे साथ। अरे चलो, कह रहे जब बाहर खड़े हो, किसे डर लग रहा है तुम्हें? अरे पिंकी दीदी देखो, आपकी शादी की खुशी में बुलबुल दीदी कितने अच्छे से तैयार हो रही है। अरे ये कहाँ सुन लिए हम, शादी कर ली इससे? लंगूर के हाथ अंगूर लगा है। ज्यादा बकवास मत करो तुम, समझे ना। अरे पिंकी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उल्टा फेरा ले लो। चुप करो तुम। पर तुम्हें ये भोंदू पसंद कैसे आया? एक नंबर का डफर है। तो क्या हुआ, डफर इंसान नहीं होते हैं क्या? और भी लोगों को डफर पसंद आते हैं। तो फिर पार्टी होनी चाहिए, क्यों दीदी? हाँ दीदी, पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पार्टी करेंगे। तुम लोग तैयारी करो, हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, जाओ। पिंकी सब ठीक तो है ना? जा।
जाओ साला, ऐसा दिन आ गया दुलाल की शादी की खुशी की बत्ती लगाए हम। गड्डे ओ गड्डे, हाँ प्लग डाल के ऑन करो। अच्छा सही है ना? एकदम चकाचक। तोले पकड़। अरे पिंकी दीदी, अब लग रहा है ना शादी ब्याह वाला माहौल। खन्ना पकड़ो इसे। दीदी चलिए ऊपर चल के नाच गाना करते हैं। अरे पिंकी तुम भी आओ ना। चलिए चलिए। पार्लर तो बहुत अच्छा सजाया तुम लोगों ने। ये क्या है हमारे लिए? अरे कन्ना खनखनाने लगा। अब शादी हो गई है तुम्हारी, अब हम तुम्हें कभी भी नहीं डांटेंगे। गाना चला दे। हाँ। सुमित पार्टी चल रही है, तुम्हें दिख रहा है ना? दिख रहा है हमको, कौन सी नौटंकी चल रही है। चलो यहाँ से। देखो तुम बिन बात का तमाशा कर रहे हो। अरे? हम बच्ची नहीं है, हम चले जाएंगे, बोला ना। इसका हाथ छोड़ो। अगर वो नहीं जाना चाहती है तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं है आपको? चलो चलो, नहीं तो तमाशा कर देंगे यहाँ पर। नहीं जाएंगे। चलो यहाँ से, बस मैं कह रहा हूँ। अरे अच्छा, बुलबुल ने ताइन क्रांति आप ही की वजह से फूटी है। छोड़ेंगे नहीं, आपको बता दे रहे हैं। बहुत महंगा पड़ेगा सबको ही। क्या महंगा पड़ेगा? अरे चल हट। क्या? अरे गोली मारो उसको। दीदी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आजादी से महसूस हो रही है दीदी। बहुत पहले कर देना चाहिए था ये। खैर ये सब छोड़ो। अरे हमारी पिंकी खुद ही बहुत अच्छा गाती है। बात कर रही हो? वो अम्मा कौन सा गाना गाती थी तुम्हारे लिए, वो गा के सुनाओ ना। टैल्कम पाउडर। हाँ टैल्कम पाउडर वाला। अरे गाओ गाओ गाओ। Be happy, misery, see.
जनाब, किसने किया होगा मर्डर? लैंडलॉर्ड हैं हम, वो जमीन हमारी है जिसमें पिंकी ब्यूटी पार्लर है। बहुत सेवा करती थी हमारी बेचारी बुलबुल। तो फिर कहाँ मरवा दिया उसको? दरोगा जी, बहुत जल्दी पड़ गई है का वर्दी पर सितारे बढ़वाने की। साहब सिंह नाम है हमारा, चूतियापे की बात ना हम करते हैं और ना सहते हैं। साला, न्यूक्लियर बम ने भी उतनी जिंदगियां नहीं बर्बाद की होंगी जितना इस काले और गोरे के चक्कर में हो गई। नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। चाय पियेंगे? साईया मेरे साईया रे।
बचपन से ही सुनते आए पिंकी तो बड़ी गोरी और खूबसूरत है, पर बुलबुल उसका तो रंग दबा हुआ है, सांवली है बेचारी। अम्मा हमसे कहती थी कि तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी, लड़के तो पसंद करते थे मगर उनके घर वाले नहीं, उन्हें गोरी बहू जो चाहिए थी। हम चेहरे की खूबसूरती को निखार सकते जब खा सकते लोगों की सोच को नहीं। लेकिन इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो लिखा है कि तुम्हारी दीदी ने सुसाइड किया है। हर सुसाइड कहीं ना कहीं मर्डर ही होता है। जनाब, हमारा होने वाला बच्चा मेरी बीवी पर गया, गोरा हुआ तो कहीं उनका हश्र भी ये पिंकी और बुलबुल जैसा तो नहीं होगा। प्लाटो से पूछो। Sorry.